हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल स्क्रीन फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच का, जो थर्ड मैच खेले जाएंगे स्कॉटलैंड वुमेन वर्सेस उगांडा वुमेन के बीच में, तो उसी के बारे में। मैच टाइम देख सकते हैं कल रात 8:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग उसी हिसाब से एक्टिव रहिएगा। या फिर दोनों टीम की मैच विनिंग पेटिशन की बात की जाए तो स्कॉटलैंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम है, तो आप स्कॉटलैंड के फेवर में टीम बनाएगा। उगांडा की तरफ से ज़्यादा खिलाड़ी को पिक करने की जरूरत है नहीं, लेकिन उगांडा जब पहले बॉलिंग करेंगे तो उगांडा की तरफ से कौन सा बॉलर को टीम में पिक करना चाहिए और कौन सा प्लेयर फिर कैप्टन वाइस कैप्टन लाचे पिक रहेंगे, वो आपको वीडियो में कम्प्लीटली पता चल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहिएगा। तो भाई देखो, टॉस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, ठीक है। और बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगी कौन सा खिलाड़ी का, वो भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेंगे, क्योंकि मैं उसी हिसाब से फाइनल टीम प्रोवाइड करूँगा। और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको इसी वीडियो की फास्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसके लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। या पर दोनों टीम की अगर मैच विनिंग पेटिशन को लेकर बात की जाए तो स्कॉटलैंड के जीतने का चांस 70% रहेंगे, वहीं पे यहाँ पर उगांडा के जीतने का चांस सिर्फ 30% रहेंगे, ठीक है। उगांडा जब पहले बैटिंग करेंगे तो इनके तरफ से ज़्यादा प्लेयर को पिक मत करना, लेकिन जब पहले बॉलिंग करेंगे तो 3 से 4 बॉलर को जोरो लेके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले दोनों टीम का कुछ स्कोर कार्ड देख लेते हैं, फिर हम लोग आके स्मॉल लीग की टीम और ग्रैंड लीग के लिए कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे वो आपको मैं डिटेल्स में बता दूंगा। स्कॉटलैंड वुमेन की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जो कि आयरलैंड वुमेन के साथ खेले थे। आयरलैंड वुमेन पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पर देखो 117 बनाए थे, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कंफर्टेबल मैच को विन किया थे स्कॉटलैंड वुमेन, ठीक है। पी चैटर्जी में देखो यहाँ ओपनिंग पर आए थे, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर फिर से ओपनिंग पर मेंशन रहेंगे तो भाई बहुत ही बढ़िया पिक बन जाएंगे, और फिर वाइस कैप्टन भी आप इनको बना सकते हैं। अगर ओपनिंग पर मेंशन नहीं रहेंगे तो फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे, लेकिन नॉर्मल पिक आप जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि आपको 3 से 4 ओवर की बॉलिंग देंगे, तो भाई जरूर आप इनको टीम में पिक कर लेना, ठीक है। डार्सी कार्टर एक अच्छे खिलाड़ी है भाई, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बैटिंग से ओपनिंग या फिर ऑनराउंड पर ही आना चाहिए, और बॉलिंग भी आपको 3 से 4 ओवर करके दे देंगे, ठीक है। ऑफ स्पिन बॉलिंग करती है, लेकिन कभी कभार इनका ना ओवर कट कर दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। या पर दोनों ही खिलाड़ी ने कुछ ज़्यादा किया नहीं था। बाकी नीचे जब देखोगे तो भाई कैटरिन ब्रूस ने क्या बढ़िया परफॉर्मेंस किया, तो आप देख सकते हैं। और आपने इनको देखा होगा रिसेंटली WBL में भी खेल रही थी गुजरात वुमेन की तरफ से, ठीक है। वहाँ पर भी इन्होंने अच्छे बॉलिंग कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है भाई, आप इनको जरूर पिक कर लेना, कैप्टनसी के लिए सेफ पिक रहेंगे। अगर आप भाई इस मैच में ना 20 टीम बनाना चाहते हैं GL में, तो 20वीं टीम में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जा सकते हैं। फिर देखो भाई, या फिर एस ब्राइस, ये भी बहुत ही बढ़िया और टैलेंटेड खिलाड़ी है भाई, इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। जैसे कि भाई 100 में भी खेल चुकी है, तो भाई ये बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, आप इनको अपनी टीम में जरूर लेके जाना। और जब फिर बैटिंग करेंगे स्कॉटलैंड वुमेन, तो ये दोनों बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे KBC के लिए, एक टीम में आप जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। आइए उनके बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख लेते हैं। परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कैटरिन ब्राइस यहाँ पर कंप्लीट बॉलिंग किए थे 4 ओवर की, फिर देखो यहाँ पर 1 विकेट चटकाया था। पी चटर्जी 4 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग करते थे 2 विकेट, फिर देख सकते हैं ओबेन ने 4 ओवर में 1 विकेट, जर्सी कार्टर ने 2 ओवर विकेट लेस। एच रेन इस टीम का बहुत ही बढ़िया भाई बॉलर है, पता नहीं इस मैच में क्यों 3 ओवर की बॉलिंग किए थे, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया और नंबर 1 फास्ट बॉलर मान के जा सकते इस टीम के लिए, ठीक है। ये हमेशा डेथ में बॉलिंग करने के लिए आती है और हमेशा भाई विकेट लेके देती है, तो ये आपकी टीम में डिफॉल्ट पिक होना चाहिए। GL में आप इनको एक आधा टीम में KBC जरूर बना दीजिएगा। यहाँ पर देखो 3 ओवर में 2 विकेट चटका दिए थे। ये मकसूद ये बहुत ही बढ़िया लेग स्पिन बॉलर है, आप इनको देख ही होगा, मैक्सिमम टूर्नामेंट में खेलती है, ठीक है। 100 बोलो या फिर जो इंग्लैंड में दोस्तों और भी जो लीग वगैरह होती है ना, वहाँ पर भी खेलती है, तो ये आपकी टीम में होना चाहिए। वाइस कैप्टन से बहुत अच्छा पिक रहेंगे, GL में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। उगांडा वुमेन का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 69 रन बना पाए थे, इनको अपोनेंट यूनाइटेड और एमिरेट्स थे, ठीक है। उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थे, फिर भी इनका हालात काफ़ी ख़राब हुए थे। स्कॉटलैंड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो भाई इनका हालात और भी ख़राब होने वाली है, ठीक है। पहले बैटिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जी अबू कौर यहाँ पर देखो 0 पे आउट हुए थे, PLO को 15 बनाए थे। फिर देख सकते हैं फिर ई येलो को यहाँ पर 0, यहाँ पर जानत मायाबाजी एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है भाई, इस टीम के लिए नंबर 1 खिलाड़ी मान के जा सकते हैं। ये खिलाड़ी आपकी टीम होना चाहिए, जब पहले बॉलिंग तो आप इनको डेफिनेटली पिक कर लेना। आई ना किसी 1 रन, फिर देख सकते हैं स्टेफिन नामी, फिर ये भी एक अच्छे खिलाड़ी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा कर लेती है। रीता मोसा हमारी 0, फिर देख सकते KY वगैरह, और यहाँ पर दोस्तों नीचे कोई कुछ खास किया नहीं था, ठीक है। आइए उनका बॉलिंग से परफॉर्मेंस देखते हैं, तो बॉलिंग से आप देखोगे ENP एक बहुत ही अच्छा फास्ट बॉलर है, जब पहले बॉलिंग तो आप एक आधा टीम में जरूर लेके जाइएगा। फिर देख सकते हैं एस वाला जा, या फिर 2 ओवर में 6 रन एक विकेट लेस। जानत मायाबाजी 1 ओवर में 6 रन एक विकेट लेस। रीता मूसा मारी 1 ओवर में 9 रन एक विकेट लेस। फिर देख सकते सी आपको 3 ओवर में 13 रन एक विकेट लेस। और फिर एस एटिंग ने 3 ओवर 3 बॉल में 1 विकेट चटकाई थी, तो ये बहुत ही अच्छा बॉलर है, स्पिन बॉलिंग करती है, थोड़ा बहुत बैटिंग भी, बैटिंग से उम्मीद ज़्यादा मत रखना, लेकिन जब पहले बॉलिंग करेंगे आपको जरूर एक आधा विकेट दिला के जाएगी, तो आप इनको अपनी टीम में जगह दे के जा सकते हैं, ठीक है। जानत मायाबाजी आपकी टीम में होना चाहिए, इनको गलती से ड्रॉप मत करना। बाकी देखो यहाँ पर दोस्तों सी आपको फिर एस एटिंग और
हमारे ऐप पर जाना है तुम्हारा भाजी ई एन पी ओ, इन्हीं में से आप अपने टीम में खिलाड़ी को पिक कीजिएगा उगरना की तरफ से, ठीक है। सेक्शन में आपके पास तीन ऑप्शन देखने मिलेंगे। एस ब्राइस आपके टीम में डिफॉल्ट पिक होना चाहिए, आप इनको गलती से ड्रॉप मत करना। बाकी देखो के वाइनो नीचे बैटिंग करने के लाएंगे और उतना क्वालिटी खिलाड़ी है नहीं, तो मैं इनको पिक नहीं करूँगा। ए लिस्टर अगर खेलेंगे भी फिर भी मैं इनको पिक नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग है आएगी इनका। बैटिंग सेक्शन में जब देखोगे तो जी अबूबकर को भाई काफ़ी बढ़िया सिलेक्शन है, आप देख सकते हो 79% है। ए मैकोल अगर खेलेगी तो पिक कर लेना क्योंकि आपको बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। बाकी जो स्टेफिन नामी फिन एक अच्छे ऑलराउंडर है लेकिन कभी कभी बॉलिंग इनको नहीं मिलती, इस चीज़ को ध्यान में रखना। या फिर जब देखोगे ना तो स्कॉटलैंड की तरफ से ना उतना क्वालिटी खिलाड़ी है नहीं, तो मैं इसी के चलते फिलहाल मैं दोस्तों यहाँ पे एस नामी पिया को पिक कर रहा हूँ। अगर आपको एक खिलाड़ी नहीं चाहिए तो आप जी अबूबकर या फिर आप येलो को इन्हीं में से किसी को भी पिक करके जा सकते हैं। और अगर देखो एम मैकोल या फिर एल जैक में से कोई भी टॉप ऑर्डर में से ना तो आप इनको पिक कर लेना, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पे एस नामी पिया को पिक किया हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो एम मैकोल ना कभी भी बॉलिंग करने के लिए आ सकती है क्योंकि भाई वीक टीम के साथ मैच है, तो अगर एक दो बार भी बॉलिंग करेगी ना तो विकेट इनको मिलने के चांस काफ़ी हाई रहेंगे, तो आप यह काम कर सकते हैं एम मैकोल के साथ जा सकते हैं। मैं फिलहाल स्टेफनी नामी पिया को मैंने पिक किया हूँ, ठीक है। ऑलराउंडर सिक्स में देखो कैटरीन ब्राइस फिर देख सकते हैं, एस हॉली बहुत अच्छा पिक रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको अच्छा खासा पॉइंट देंगे। काफ़ी सारे टूर्नामेंट में खिलाड़ी खेलती है, ठीक है, आपने इनको देखा होगा। फिर देखो जाने तो मायाबाजी डार्सी कार्टर और यहाँ पर दोस्तों आईना की सुई सी अपेल अगर खेलेंगे तो पिक कर सकते, रीता मूसा मौली को पिक कर सकते। मैं फिलहाल पिक किसी को भी नहीं कर रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर जब देखोगे ना तो भाई देखो पी चैटर्जी, आफ्ता मकसूद, एच रैनी और यहाँ पर के फ्रेसर, आर सलेटर में से जो भी खेलेंगे उनको पिक कर लेना और दोनों में से कोई एक तो जरूर खेलेगी, ठीक है। बाकी नीचे जब देखोगे नाइमा से के भी खेल सकते हैं क्योंकि भाई वीक टीम के साथ मैच है। मैं फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आर सलेटर को पिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनका खेलने का चांस काफ़ी कम रहेंगे, तो मैं यहाँ पे के फ्रेसर को पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे सियाकोई को मैं पिक कर रहा हूँ क्योंकि सियाकोई विकेट टेकर बॉलर है, आपको एक विकेट या फिर दो विकेट आसानी से दिला के जा सकती है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो फिर कैप्टन वाइस आपके टीम में डिफॉल्ट पिक होना चाहिए कैप्टनसी के लिए। बाकी वाइस कैप्टनसी के लिए देखो भाई जो बैटिंग ऑर्डर रहेगी ना वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगी। अगर एस हॉली अगर टॉप ऑर्डर मेंशन रहेंगे तो मैं इनको ही वाइस कैप्टन बनाऊंगा क्योंकि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों साथ अच्छे परफॉर्मेंस करके दे देंगे। पी चटर्जी फिर से ओपनिंग पर मेंशन रहेगी तो आप इनको भी वाइस कैप्टन बना के जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले सीरीज में भाई इन्होंने ओपनिंग पर आई थी और बैटिंग बॉलिंग तो अच्छा कर ही लेती है। अगर बैटिंग से ओपनिंग पर फिर से आ जाएंगे तो इनको वाइस कैप्टन आप बना दीजिएगा। मैं फिलहाल वाइस कैप्टन से दोस्तों यहाँ पे एस हॉली को बना रहा हूँ, आप चाहो तो ना फिर एस ब्राइस को ही बना सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही बढ़िया और टैलेंटेड बैट्समैन है, आपको हमेशा बैटिंग से अच्छा खासा पॉइंट दिला के जाएंगे और विकेट कीपिंग से भी आपको बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिला देंगे। जब पहले बैटिंग करेंगे स्कॉटलैंड तो ये आपके टीम में बहुत बढ़िया भी सी ऑप्शन रहेंगे, आप इनको जरूर ट्राई कर लेना। और जी एल में दोस्तों आपको क्या करना है पता है, जी एल में यहाँ पर स्कॉटलैंड की तरफ से सारे बॉलर को भी सी ट्राई कर लीजिएगा, कैप्टन से यहाँ पे कैप्टन वाइस को सेफ रख के आप भी सी रोटेशन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं, मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में एस ब्राइस को पिक किया हूँ, फिर देखो भाई बैटिंग सेक्शन में स्टेफनी नामी पिया को पिक किया हूँ, आप इनकी जगह किसी भी खिलाड़ी को पिक कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगे, ठीक है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में डार्सी कार्टर जो कि एक अच्छे पिक रहेंगे वाइस कैप्टनसी के लिए, एस हॉर्ली फिर देख सकते हो जानेत मायाबाजी, कैटरीन ब्राइस और यहाँ पर देखोगे बॉलिंग सेक्शन में पी चटर्जी, आफ्ता मकसूद, एच रैनी, फिर देखो के फ्रेसर और सियाकोई, आफ्ता मकसूद, पी चटर्जी और यहाँ पे एच रैनी, सबके सब इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अगर भाई यहाँ पे एस हॉर्ली नहीं खेलेंगे तो आप यहाँ पे आफ्ता मकसूद या फिर एच रैनी में से या फिर पी चटर्जी में से किसी को भी वाइस कैप्टनसी बना दीजिएगा, तीनों टॉप क्वालिटी के पिक रहेंगे वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों फाइनल टीम आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो, ठीक है। तो ये है बूम इलेवन एप्लीकेशन, आपने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो क्योंकि भाई इस एप्लीकेशन में आपको ना तो TDS लगेंगे और ना ही भाई यहाँ पर आपको कोई GST लगेंगे, ठीक है। यानी भाई आप जितना ज़्यादा विन करोगे उतना ही आप यहाँ पे विदड्रॉल कर पाओगे, वो भी भाई एक मिनट के अंदर आप विदड्रॉल ले सकते हैं, किसी भी दिन किसी भी टाइम आप यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं 15,000 मैक्सिमम, और 15,000 करके आप जितना मर्जी विड्रॉल ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है भाई, वन ऑफ माय फेवरेट एप्लीकेशन है भाई। देखो मुझे पता है आप लोग इसके नंबर या फिर GST के नंबर काफ़ी ज़्यादा लॉस कर चुके होंगे, तो इस एप्लीकेशन के द्वारा भाई आप अपना लॉस कवर करो क्योंकि इस एप्लीकेशन में जब खेलोगे आपको पता चल जाएंगे कितना बेहतरीन और कितना शानदार एप्लीकेशन है। तो जल्दी से भाई डाउनलोड करो और आज से ही खेलना स्टार्ट कर दो क्योंकि इस एप्लीकेशन में अगर खेलोगे तो भाई आप फिर से पहले बार
वाली भाई फैंटेसी खेलने के जो मजा थे ना वो आपको मिल जाएंगे। कितना बेहतरीन एप्लीकेशन है, एक बार खेल के देखो भाई। इनका कस्टमर सपोर्ट ठीक है, इनका भाई जो कस्टमर सपोर्ट है ना वो आपको 24 आवर्स मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रिप्ले भी करेंगे, आप कॉल करके भी इनसे बात कर सकते हैं ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और इंस्टेंट विड्रॉल मैंने आपको बता दिया, आपको 1 मिनट के अंदर विड्रॉल मिल जाएंगे भाई, वो भी इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। मैक्सिमम 15,000 करके आप जितना मर्जी जितना बार चाहो तो आप विड्रॉल ले सकते हैं ठीक है। तो भाई जल्दी से डाउनलोड करो, और इस एप्लीकेशन के लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसी लिंक से डाउनलोड कर लेना। और भाई आप यहाँ पर SK11 कोड जरूर डाल दीजिएगा ठीक है। SK11 कोड जब डालोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे ठीक है, और आपका प्रॉब्लम अगर फिर भी थोड़ा सा भी आएंगे ना तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दी से करो डाउनलोड और आज से ही मौज करना स्टार्ट कर दो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।